शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आज के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज बहुत ही दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ पूरे देश में मातम छाया हुआ है। और आप ये देखिए कि जो माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा छुट्टी आएगा, और उसके घर में उसकी डेड बॉडी पहुंचती है, तो उस माँ बाप पे क्या बीतती है। गमगीन माहौल तो बना ही है, लेकिन हमें गर्व भी है और थोड़ा दुख भी है कि अगर यही जवान हमारे किसी मतलब दुश्मन से लड़ते हुए शहीद होते हैं तो हमें इतना दुख नहीं होता जितना आज हमें इस जवान का दुख हो रहा है कि वो बेमौत मारे गए बेचारे। अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारे जवान देश की क्या सुरक्षा करेंगे। सारे सैनिक और सैनिक परिवार जो है बहुत दुखी हैं इस कहानी को सुन के। ये जो न्यूज आई है कल की, इस घटना से बहुत दुखी हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नौकरी करने वाले बच्चे हैं, आज उनको उग्रवाद न बनाया जाए, बल्कि उनको अच्छे पढ़ा लिखा करके अच्छे भारत का अच्छा नागरिक बनाया जाए। और आज यहाँ पर इंडिया गेट पर जो है हमारा जो सैनिक संगठन है जंतर मंतर में, ये जो है 1342 दिन से जो है वन रैंक वन पेंशन के लिए यहाँ बैठा, लेकिन सारे जो है जितने भी बुढ़े सैनिक हैं जिनने 62, 65 और 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, ये जो है इनके नाती पोते हैं आज जो है बॉर्डरों पर, और इन बुढ़े सैनिकों को बहुत बड़ा दुख है, गम है। इसलिए यहाँ पर जो है अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि देने आए हैं जनरल सतबीर सिंह जी के नेतृत्व में। और ये सारे हमारे संगठन के लोग हैं, ये हमारे माता बहनें हैं, ये साथ में आ रखे हैं, ये भी सैनिक परिवार से हैं, सब जो है सैनिक विधवाएं हैं। और यहाँ जो आज पूरे देश में माहौल है, ये बहुत दुख और गम का माहौल है। सरकार को जम्मू कश्मीर के मामले में अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। नहीं, बहुत दुख हुआ है बेटा ये सुन के कि हमारे इतने 42 जवान शहीद भी नहीं हुए, मतलब उन्होंने उग्रवादियों ने ऐसे किया। देखो, देश के ऊपर शहीद होता है अगर तो हमें दुख तो होता है, लेकिन फिर भी हमें कहीं से खुशी भी होती है कि हमारा बेटा या हमारा पति जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है। ऐसे अटैक से उग्रवादियों ने किया, इतने लोग, हमें ये समझ में आता कि इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, इतने जा रहे हैं जवान जा रहे हैं, तो गाड़ी एक कैसे घुस गई अंदर, इसका मतलब कुछ हमारे लोगों में भी कमी है। कभी भी इतनी बड़ी बटालियन फोर्स को एक साथ नहीं भेजा जाता है, इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ चूक हुई है, क्योंकि अगर भेजनी थी तो चार बटालियन कह रहे हमने भेजी है, तो चार बटालियन में से एक एक करके भेजी जाती तो मतलब ये खतरा नहीं आता। लेकिन चूक जो हुई है, ये चूक हुई है जो वहाँ की मुफ्ती महमा मुफ्ती थी चीफ मिनिस्टर, ये उन्होंने एक कानून मार रखा है कि जब भी सीआरपी की या किसी की कानूनी जाती है तो उसके वजह सिविलियन को परेशान नहीं किया जाएगा। इसी वजह से जब फौज जाती है तो फौज के अंदर कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता, ना कोई गाड़ी के मुखी भी नहीं आ सकती वहाँ पे, लेकिन सीआरपीआई ये पुलिस वालों के साथ इनके साथ ये भेदभाव थोड़ा रखा गया है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए था। अगर वो सिक्योरिटी फुल होती तो ये एक हादसा ही नहीं होता। इस टाइम हम जो लोग हैं फौजी जो हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पत्थर खा सकते हैं और ठुड्डे खा सकते हैं, लेकिन हम गोली नहीं चला सकते। ऐसे ही कम से कम 5-10 हज़ार जवान हमारे बिना वजह के बिना वार के वैसे शहीद हो चुके हैं, ये प्रॉक्सी वार के अंदर हम लूज कर रहे हैं। फौज और आम नागरिक के बीच में जो है आप जो है बिल्कुल दरार पैदा कर रहे हो, जिससे कि आम नागरिक जो है फौज की बातों पे ना आकर के पॉलिटिक्स की बातों पे आकर के अपने आप को जो है धर्म के ऊपर जो है अपने बच्चों को जो है इस तरीके से ले जा रहे हैं, उनको आतंकवाद या उग्रवाद बना रहे हैं, जो देशद्रोह के नाम पे जो है आज कश्मीर में जो है बिल्कुल जो हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, आज जो हिंदुस्तान का जो है बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि धर्म के नाम से वो ताज भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी पार्टियों के नेताओं से कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ के सिर्फ देश के बारे में सोचें, देश के सैनिकों के बारे में सोचें, जो सैनिक शहीद हुए हैं उनका परिवार पे क्या बीत रही है, उसका दर्द वो महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कभी अपना बेटा नहीं खोया, और वो भी देश के लिए, क्योंकि नेताओं का बच्चा कोई फौज में जाता ही नहीं। फौज में जाते हैं तो सैनिक के बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे जाते हैं, मजदूर के बच्चे जाते हैं, और जब शहीद होते हैं तो उनके घर पर लाइनें लग जाती हैं मंत्रियों की, सुबह से शाम तक भरा रहेगा। अब हम इनके साथ हैं, बाद में उन विधवा बहनों का पूछने वाला कोई नहीं होता। कितना मुश्किल से हमारी बहनें 12,000 रुपये पेंशन मिलती है, कितना मुश्किल से वो गुजारा कर रही हैं, वो ये मेरी बहनें ही जानती हैं। हमारे जो पॉलिसी है, जो नेता हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं, इच्छा शक्ति नहीं है उनके अंदर में। इंदिरा जी की जैसी इच्छा शक्ति हो तो पाकिस्तान के आज भी जो है दो टुकड़े और हो जाते आज तक जो है, लेकिन इंदिरा जी नहीं रही, और इस देश में ऐसा
डायनेमिक नेता कोई है नहीं, सिर्फ जो है जुमलेबाजी करते हैं नेता, लेकिन उनके अंदर में वार पार की लड़ाई लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए जो है आज ये मामला जो है इस ढंग का हमें दिन देखना पड़ा, बहुत दुखमय है। सारे सैनिक जो है अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।